Hasta luego, vamos a ver. असलम वर्ष मोमेश वेलकम टू चैनल मोमेश गाइस। फ्रेंड्स ने कुछ है कि अगर आप डेली ब्लॉग देख रहे हो मेरे तो आपको पता हो कल सुबह मैं मतलब कल क्या आज सुबह मैं 9 बजे करीब पहुँचा हूँ जो लास्ट ब्लॉग में जैसे देखा होगा। तो अभी मेरी सुबह ही है, टाइम हो रहा है 3 और डेटा कॉपी करना है। बैटरीज मैंने सुबह आते साथ चार्ज पर लगा दी थी, अलहमदिल्ला चार्ज हो गई हैं। वो बस डेटा कॉपी करना है, फिर उसके बाद खुशनूद को जाके उठाना है। फंसी को मैं बता चुका हूँ ये सब कुछ क्यों बोल रहा हूँ, ये सब कुछ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कराची शहर में मेरा तकरीबन एयरपोर्ट के आसपास ही मेरा एक इवेंट है, वहाँ पहुँचना है हमने 5:30 बजे के करीब। टाइमिंग हमें ये दी गई है, अलबत्त मुझे नहीं पता कितने बजे तक स्टार्ट होगा। मौसीकी का प्रोग्राम है महफिल का, तो डेटा कॉपी करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ क्या सीन है। तो खुशनूद का रिप्लाई आ नहीं रहा था और बाइक मेरे पास थी नहीं, डायमंड हॉल मैंने जाना था। मैंने बोला पहले पैदल पैदल खुशनूद के घर जाता हूँ, उसको उठाता हूँ, बोल तो खाना वाना खा रेडी वगैरह हो, फिर उसके बाद रक्षा पकड़ के डायमंड हॉल जाएंगे। डायमंड हॉल का जो भी काम है वो काम करके वापस घर आके खुद चेंज करके फिर इसको दोबारा उठा के भाई चल, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जाने के बाद शायद ये सो जाए। लेट्स सी। डायमंड से फारिग हो गया और टाइम हो रहा है 4:50, 5:30 बजे दूसरी लोकेशन पे पहुंचना था बट यहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया और आया पैदल था मतलब रक्षे में। वापसी में शुक्र है गाड़ी मिल गई, तो बस अभी घर जल्दी पहुंचूंगा और ज़्यादा कुछ नहीं चेंज करना है, उसके बाद अगली डेस्टिनेशन पर। सो टाइम 5:30 हो रहे हैं और 5:30 बजे मुझे वहाँ होना था। खैर यही होता है कि अगर आप अपने से अपनी सेहत से ज़्यादा काम पकड़ो तो, बट खैर कोई इशू नहीं है। 6 बजे स्टार्ट होना था, मैंने उसको बोला था कि 5:30 बजे तक मैं आ जाऊँगा इंशाल्लाह, कोशिश ये है। अगर उसने 6 बजे बोला तो 6 बजे जैसे बस स्टार्ट तो हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, बोलना हो इंशाल्लाह स्टार्ट होने से पहले पहुँच जाएंगे। अब फंसी को उठाना है निकलना बस। ऑक्टा 2 उठाएगा ना, मैंने नहीं उठाया, मैंने खाली ऑक्टा और माउंट उठाया बस। तेरी पीछे रखिए भाई, ये बंदा हमारे साथ आज नहीं है और ये बंदा हमारे साथ आज नहीं है, रखना का ये रखना बस पीछे कहीं भी रख दे। टाइम 5:35, टाइम हो रहा 7:30 और अभी तक यहाँ पे सेटअप ही रेडी नहीं हुआ। मतलब मैंने बोला था ना अगर अगला बंदा बोल भी रहे कि 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा आप 5:30 बजे तक आ जाओ, तो ज़रूरी नहीं है कि 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा, वो आपको जल्दी बुलाने के लिए कर रहा। हमारी फील्ड का काम ही ऐसा, मतलब कि लोग बोलते हैं कि पहले आके बैठ जाए बस, हमें तसल्ली रहे तसल्ली रहे। तो चलो फाइनली पहुँच गए, हमें भी तसल्ली अभी तक स्टार्ट नहीं है, हम तो टाइम से मतलब इवेंट स्टार्ट होने से पहले पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। इवेंट खत्म हो गया है और अभी रात के क्या टाइम हो रहा है? अच्छा हो रहा है, 12:12 समथिंग। इस बंदे ने बोला था 11 बजे खत्म हो जाएगा,
और क्या ये देखो शतुरमुर्ग नुमान बांधा। 11 बजे खत्म हो जाएगा तो मैं खाना भी मैं खिलाऊंगा, पेट्रोल भी मैं डलवाऊंगा। 12 हो गए और आधा घंटा हो गया बैठे हैं, बोले पेमेंट नहीं है, पेमेंट आया तो चलते हैं, फिर मैं खाना भी खिलाऊंगा। कैमरामैन फसी चांडी और शायान मोहम्मद के साथ हम अपनों में ईद बनाने आए थे, लेकिन हम लोगों का इवेंट खत्म हो चुका है और अब हम लोग घर जाएंगे और खाना खाएंगे। घर जाएंगे खाना खाएंगे, घर जाएंगे खाना खाएंगे, ये घर जाएंगे खाना खाएंगे, डन हो गया। ये देखो तुमने सुना, तुमने भी सुना ना भाई, घर जाके खाना खाएंगे, जाना उसी की गाड़ी पर है, रिक्शे में आ जाना, फायदा गाड़ी गाड़ी अपनी होने का फायदा, कोई और बोलता तो फिर चांसेस थे। इतना आलसी बंदा है कि इसने व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, आखिर में मोबाइल निकालना नहीं, असल में मसला ही हो गया था कि ड्रोन नहीं चल रहा था। ये पब्लिक को बहाने नहीं चाहिए भैया, किचन में नहीं चल रही है आज हमारा सबूर, सबूर क्या हमारे साथ थे यार, निशान का घर किसने देखा हुआ, निशान का घर किसी ने नहीं देखा, वो भाई सलमान को पता, बड़े बाल वाला सलमान भाई, सलमान भाई निशान खतरी होते हैं ये आप इसलिए बोल रहे क्योंकि ये ब्लॉग के अंदर मैंने डाल ले कोई बात समझ समझ रहे हो ना, तो वीडियो यहीं खत्म करते हैं, लिव यू लाइफ, लिव यू लाइफ।